हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मैं आज अपने गार्डन में मैरीगोल्ड को रिपोर्ट कर रही हूं। हालांकि मैंने रिपोर्टिंग पे वीडियो दी हुई है। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो कुछ प्लांट मैंने रिपोर्ट भी किए हुए थे। अभी कुछ प्लांट और भी हैं और इन्हें मैंने फाइनल पॉट दे दिया है। यही हमारी आज की इस वीडियो में है। अगर आप मैरीगोल्ड को लगाते हैं तो उसको आप कम से कम दो बार रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि एक बार कटिंग लगाते हैं, कटिंग थोड़ी बड़ी होती है तो उसे इस तरह की पॉट दी जाती है और फिर कटिंग जब तैयार हो जाती है तो उसे फाइनल पॉट में लगाया जाता है। इसलिए इसे मैं लगा रही हूँ और लगाने के लिए मैंने अच्छी सी मिट्टी बनाई हुई है और पॉट भी लिया हुआ है। कुछ प्लांट मैंने लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और इसी पर हमारी आज की इस वीडियो में है कि अगर मैरीगोल्ड की कटिंग हम लगाते हैं तो उसको किस तरह से हम फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं। यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ पर कटिंग लगी हुई है और मैंने इस तरह से दो तीन पॉट में कटिंग लगाई हुई थी। अभी हमारे कुछ प्लांट फ्लावरिंग भी करने लगे हैं और कुछ मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। इसके लिए से मैंने यहाँ पर मिट्टी बनाई हुई है। तो मैरीगोल्ड की मिट्टी आप वेलड्रेन बनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह आप मिला सकते हैं, सैंड मिला सकते हैं और तभी आप अपने मैरीगोल्ड को रिपोर्ट करें। इस तरह से मैंने मिट्टी बनाई हुई है। मिट्टी बहुत ही अच्छी वेलड्रेन है और अच्छी तरह से इसमें कंपोस्ट वगैरह मिला हुआ है। यहाँ पर हमारे कुछ प्लांट लगे हुए हैं और कुछ को मैंने लगा दिया है। तो किस तरह से इसको लगाते हैं यही मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से प्लांट लगे हुए हैं, इन प्लांट को बहुत ही सावधानी के साथ निकालना है। तो पहले तो आप जब भी प्लांट को निकालते हैं तो उससे पहले आप इसमें पानी ज़रूर डाल दें। पानी डालने से क्या होता है कि इसकी रूट्स टूटती नहीं है और आप जब भी किसी टूल की मदद से निकालते हैं तो वो सेफ्टी से निकल जाती है। यहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड को ब्लैक कलर का पॉट दिया हुआ है। इस तरह से ये 12 इंची का पॉट है, कम से कम 12 का है और प्लास्टिक का पॉट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह से रूट बॉल बना हुआ है। मैंने दो कटिंग लगाई हुई थी और दोनों को एक पॉट में ही लगा दिया था। पॉट छोटा था, फिलहाल उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी और अब इसमें बडिंग भी होने लगी है और बड बनने लगे हैं, इसलिए से मैंने सोचा कि इसे अच्छा सा पॉट दे दिया जाए। तो इस तरह से मैंने पॉट लिया हुआ है और पॉट में मैंने बेस पे कपड़ा बिछाया हुआ है हल्का वाला, और उसको बिछाने के बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। मिट्टी यही है जो मैंने बनाई हुई है और अच्छी वेलड्रेन मिट्टी है। इस तरह से अगर हम मिट्टी बना करके मैरीगोल्ड को लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे होते हैं और उनमें अच्छे तरह से फूल आते रहते हैं। आने वाले समय में इनकी क्या फ्लावरिंग है वो भी मैं दिखाऊंगी, और अभी मैं इनके फूल भी दिखाती हूँ जो मैंने पहले रिपोर्ट किए हुए थे, उनमें फ्लावरिंग होने लगी है। तो मैंने इसे बहुत ही सावधानी के साथ देखे निकाल लिया है। अभी इसमें काफ़ी जड़ें बन चुकी हैं और निकालने के बाद में अब मैं इसमें साइड से मिट्टी डालूँगी ताकि प्लांट हमारा अच्छी तरह से स्टैंड हो सके और फिर इसकी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। तो इसमें मैं मिट्टी डाल लेती हूँ। अगर प्लांट हमारा छोटे से पॉट में लगा होता है तो वो लगा तो रहेगा लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए से इसे रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैं साइड से मिट्टी डाल रही हूँ बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि इसकी डालियाँ यानी ब्रांचेस बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर वो टूट गई तो हालाँकि ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन अभी प्लांट अच्छी ग्रोथ पर है, इसलिए इसे सावधानी के साथ ही रिपोर्ट करें। मैंने ऊपर तक मिट्टी भर दी है क्योंकि अभी पानी इसमें डालना है तो मिट्टी थोड़ी बैठेगी भी, और मैरीगोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी और अच्छे से अच्छा पॉट चाहिए, इसलिए से इसे मैंने इस तरह का पॉट दिया हुआ है और मिट्टी भी मैंने वेलड्रेन बनाई हुई है। थोड़ी धूप हो रही है इसलिए प्लांट देखिए नीचे की तरफ झुक रहा है, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इस साइड में रख देंगे। अब इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। कुछ दिनों बाद मैं इसे फर्टिलाइज़र भी ऐड करूंगी। कौन सा फर्टिलाइज़र इसे देना है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और सेम इसी तरह से रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे कुछ और भी प्लांट मैंने रिपोर्ट करके रखे हुए हैं और अब हम इनमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इन्हें शेड में रखने वाले हैं। आने वाले समय में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और जब ग्रोथ होगी तो इसमें बहुत ही सुंदर फूल आएंगे। उन फूलों को मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूंगी। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।